नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव 2022 में निर्वाचित 36 सदस्यों ने विधान भवन के तिलक हॉल में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के 33 तथा दो निर्दलीय सहित जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक के अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को शपथ दिलाई। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्यों को सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम लखनऊ के तिलक हॉल में हुआ। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल विधानसभा के बाद विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने कुल 27 विधान सीटों में से 24 पर जीत हासिल की थी, जबकि 9 सीटों पर पहले ही बीजेपी ने निर्विरोध जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर बीजेपी ने विधान परिषद की 36 में से 33 सीटों पर प्रचंड जीत अपने हिस्से में की। अब यूपी विधान परिषद के उच्च सदन में भाजपा की 68 सीटें हो गई हैं। पहले विधानसभा और फिर विधान परिषद चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का दबदबा कायम है। जहां बीजेपी शिखर पर है, तो वही समाजवादी पार्टी इस चुनाव में शून्य पर पहुंच गई। इस चुनाव में 3 सीटों पर निर्दलीय सदस्यों ने कब्जा जमाया है। 36 सदस्यों की शपथ के बाद यूपी विधान परिषद में अब सपा के 17, बसपा के 4, अपना दल एस और निषाद पार्टी के 1-1 सदस्य हैं। उधर कांग्रेस की बात करें तो राज्य विधान परिषद में कांग्रेस का मात्र 1 सदस्य है, जिसका कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और अब एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो